जय हिंद एवरीवन, मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको पता है कि नीट का सिलेबस में कुछ बदलाव आए हैं, और नीट का सिलेबस कम्प्लीटली नए NCERT 2023 के जो नए NCERT है उसके आधार पर ही है। तो आप जाके उस NCERT को पढ़िए थॉरली, और अपने जहन में एक बात डाल लीजिए कि जो नीट 2024 होने वाला है वो कंपटीशन अब बढ़ चुका है। जितना भी सिलेबस चैप्टर्स डिक्रीज किया है, मतलब हटाया है, उसको उतना से मल्टीप्लाई कर लेना। तो बायोलॉजी में टोटल कितना, 1 2 3 4 5, जहाँ तक मुझे याद है 12th में हटाया है स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट एंड द एनवायरमेंटल इश्यूज, वो हटाया है 2, एक पहला चैप्टर हटाया है 3, और 11th में हटाया है मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस इन प्लांट 3 4, और फोटोसिंथेसिस से पहले जो ट्रांसलोकेशन है वो हटाया है 6, और पहला चैप्टर 7, और कुछ हटाया और कुछ टॉपिक्स में बदलाव के, तो 7 गुना आपका फाइटिंग क्या होने बढ़ने वाला है। केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी जोड़ लेना, तो जितना चैप्टर्स उसने हटाया टॉपिक हटाया उतना गुना आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सिलेबस घटेगा और बच्चे एक से बढ़ के एक है एकदम। तो सिलेबस घटेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस कहाँ से देगा, कुछ चीज़ें उसने ऐड की है ना, तो जो चीज़ें उसने एक्चुअली ज़्यादा ऐड की नहीं गई है चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें हटाई गई, तो कहीं कहीं ना कहीं आपका सिर्फ जो 2024 का जो सिलेबस एग्ज़ाम है वो टफ होने वाला है। आप ये मत सोचना कि ईजी होगा, टफ ही होगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन को तो हटाया नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हटाया तो जो टॉपिक्स है ट्रांसक्रिप्शन में क्या खोल कर रखा, जो सब टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए को बनाना कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए को बनाना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक। सो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उस हम कहते हैं उस किसको, डीएनए से जब हम लोग क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं बेटा। तो आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए होते हैं एक्चुअली जनरली मेन जो प्रकार है वो आरआरएनए, ठीक है, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। और ये जो आरआरएनए है वो पूरे आरएनए में, सारे आरएनए में से सबसे ज्यादा आरएनए आरआरएनए होता है, क्योंकि यही क्या बनाएगा, ये राइबोसोम बनाता है। और आपको पता होगा कि राइबोसोम सेल में बाकी आरएनए से ज्यादा होता है, तो आरआरएनए की जो मात्रा होती है वो लगभग 80% होती है बाकी आरएनए के की तुलना में, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए जो जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक से, और जो चीज़ें ऐड होंगी यूकैरियोटिक्स में वो चीज़ हमें उसको देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन में जो पर्टिकुलर डीएनए है ना, जैसे कि हम लोग यहाँ से एक क्रोमोसोम लेते हैं, और इस क्रोमोसोम में पर्टिकुलर जीन का, इस जीन का हमें क्या करना है, प्रोटीन बनाना है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर जीन में हमें ट्रांसक्रिप्शन में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमें चाहिए होता है प्रोमोटर, एटलीस्ट एक ऑपरेटर, और स्ट्रक्चरल जीन। क्या चाहिए होता है हमें, स्ट्रक्चरल जीन चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें कम से कम चाहिए होती है, और ये प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें पॉलीमरेज एंजाइम आता है, कौन सा आएगा, यहाँ पे एक पॉलीमरेज ठीक है, एक पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगी, पॉलीमरेज एंजाइम है, और ये कौन सा पॉलीमरेज है,
आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज किस पे डिपेंड है, डीएनए पे, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख देंगे डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये चीज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज में आपके पास क्या होना चाहिए, एक डीएनए का सेक्शन होना चाहिए, ये आपका डीएनए है। और डीएनए में जो आपकी प्राइमिंग होगी वो क्या होगी, जैसे कि ये 3 प्राइम से 5 प्राइम लिख लीजिए, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 प्राइम से 5 प्राइम से 3 प्राइम लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका एक एक ट्रांसक्रिप्ट हुआ, ये जो रीजन आप देख रहे हो ये पूरा क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्ट, है ना, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट किसे कहते हैं, जिस भाग का, है ना, जिस भाग का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, का ट्रांसक्रिप्शन, जिस भाग का ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। तो अब यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, और कौन सा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टोटल 3 प्रकार के होते हैं, जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़ी ही देर में। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये रिकोगनाइज कहाँ करते हैं, कौन सा रीजन क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आ रही बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। तो जो आरएनए होता है, जो ये जो जीन है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट या तो पॉलीसिस्टोनिक हो सकता है, या मोनोसिस्टोनिक हो सकता है, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या है कि मेनी सिस्ट्रोन, यहाँ पे सिस्ट्रोन का अर्थ क्या है कि मेनी जीन, सो मेनी प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय मेनी प्रोटीन, और मेनी बाय विद इन ए वन ट्रांसक्रिप्ट सो मेनी प्रोटीन्स विल बी देयर विच विल बी सिंथेसाइज फ्रॉम वन सिस्ट्रोन, ओके, सॉरी फ्रॉम वन ट्रांसक्रिप्ट ओनली, ओके, देन इट विल बी कॉल्ड एज ए पॉलीसिस्टोनिक, मीन्स मेनी प्रोटीन्स सिंथेसाइज साइज फ्रॉम वन प्रोमोटर और ए ट्रांसक्रिप्ट। प्रोमोटर और ट्रांसक्रिप्ट एक नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये एक आधार है जिस आधार पे आप ये समझ सकते हो कि या तो एक प्रोमोटर से बहुत प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, या पूरे ट्रांसक्रिप्ट में एक ही बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। लेकिन मोनोसिस्टोनिक थोड़ा सा डिफरेंट है। मोनो का मतलब आप समझते हैं कि एक, सिस्टोन का मतलब एक जो पार्ट ऑफ जीन है ना, तो एक जीन एक ही प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। सो वन प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस वन प्रोटीन सिंथेसिस अकर बाय ओनली वन प्रोमोटर और ट्रांसक्रिप्ट। तो पॉलीसिस्टोनिक का एग्जांपल है कौन से, प्रोकैरियोट्स। जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं एक्चुअल वो सारे के सारे पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। एग्जांपल है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रो कैरियोट, और यहाँ पे जो एग्जांपल लिखोगे वो क्या लिखोगे, यहाँ पे एग्जांपल लिखोगे यूकैरियोट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट में दो तरह के देखा, पॉलीसिस्टोनिक मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक मतलब बहुत सारे सिस्टोन्स होंगे, मतलब कि एक प्रोमोटर के थ्रू बहुत सारे एंजाइम बनेंगे या प्रोटीन बनेंगे। आप इसको अलग भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्ट में बहुत सारे प्रोटीन्स के लिए कोड होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक। अगर एक ट्रांसक्रिप्ट में एक ही एंजाइम या प्रोटीन बन रहा है तो हम लोग उसे कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। ये बात आपने देख ली। और मोनोसिस्टोनिक एग्जांपल है यूकैरियोट्स में, और पॉलीसिस्टोनिक एग्जांपल है क्या, प्रोकैरियोटिक का।
तो ये था ट्रांसक्रिप्ट में, आपने दो तरह के देखे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोटीन है, जो डीएनए है, डीएनए का कुछ इस तरह से हाल है। हाल क्या है ये लोगों का, मतलब हाल क्या है? देखो ये रिप्लिकेशन से थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा टफ है। ये यही पार्ट थोड़ा सा टफ है जो आपको समझना पड़ेगा, और इस पार्ट को समझ जाओगे तो बाकी सब इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। इसमें क्या देखना है कि ये जो डीएनए है, डीएनए में आपको डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, आपको याद है। तो यहाँ पे आपको इसी एंड से देखना है। मैंने बताया था कि कभी भी आप देखोगे तो एक आँख से देखोगे, दोनों आँख से नहीं देखना, ठीक है? और एक ही तरफ से देखना, ठीक। ये मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। तो आपको यहाँ से देखना है, एक स्टैंड क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम, और दूसरा स्टैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो जब आप इसको देखते हैं तो किस स्टैंड पे कंटिन्यूस स्टैंड बन रहा था, कंटिन्यूस डीएनए बन रहा था, आप मुझे बताओ। लीडिंग स्टैंड बन रहा था कौन से टेम्पलेट स्टैंड पे, याद है आप लोग को? तो याद है तो तुम लोग मुझे बताओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पहले ही जानते हैं रिप्लिकेशन में भी, ये बड़ा कैसे होगा यार, छोड़िए बड़ा भी हो चाहे नहीं हो, हम लोग जल्दी डायरेक्ट यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो लीडिंग स्टैंड बनता था, कभी भी 3 to 5 प्राइम स्टैंड पे लीडिंग स्टैंड बनता था, और लीडिंग स्टैंड ही बनाने में फायदा है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली बना लोगे, ये 5 प्राइम हो जाएगा, ये एंड ये 3 प्राइम। तो ये जो रेड कलर से बना रहा हूँ ये क्या है, मेरा आरएनए है, और ये जो आरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है, ठीक है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे बन रहा है आरएनए, और ये कंटिन्यूस है, ये कैसा है, कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस को ही आप क्या कह सकते हो, कंटिन्यूस को कह सकते हो ये लीडिंग स्टैंड की तरह बन रहा है ना, क्योंकि हम लोग इसी स्टैंड को क्यों ले रहे हैं, इसी टेम्पलेट स्टैंड को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस पे कंटिन्यूस और लीडिंग स्टैंड, या कहो तो लीडिंग स्टैंड बनता है। तो आपको वापस प्राइमर हटाने के लिए, फिर वापस जोड़ने के लिए, लाइगेज, ये सब की झंझट नहीं रहता। तो इसलिए आप क्या कहोगे कि यहाँ पे ये हम लोग का जो टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, हम लोग का टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगा। और इसी टेम्पलेट स्टैंड को हम लोग कहते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड, इसी को क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग। हालांकि कोड तो यही कर रहा है, लेकिन ये विधि का विधान है, जो अच्छे काम करते हैं उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती। सही बात है, मेरे भैया बोल रहे हैं कि साला तुम फ्री में पढ़ा रहे हो तो तुमको कोई वैल्यू नहीं मिलता। तो अच्छा काम जो कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन कोडिंग है, नेमलेट को नॉन कोडिंग कहते हैं, और जो मेरे भैया जैसे काम करते हैं उसको कोडिंग स्टैंड कहते हैं, मतलब जो कोई काम नहीं करता उसको वाह, उसका वाह वाह ही होता है, ठीक है? और बोलते हैं वही बहुत ज्यादा समझदार है, समझदार को हम लोग क्या कहते हैं, सेंस, इसी को हम लोग कहेंगे सेंस स्टैंड। और यही जो समझदार होगा उसको क्या बोलेंगे, समझदार वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, समझदार वाले को हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्टैंड, ठीक है? सॉरी, समझदार वाले को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव सेंस स्टैंड, या फिर पॉजिटिव स्टैंड, है ना? तो जो भी पॉजिटिव स्टैंड, जो भी मतलब कि अच्छी बात है, सॉरी नॉन कोडिंग के लिए, जो कोड ही नहीं कर रहा, नहीं समझे? तो कोडिंग सेंस, सेंस स्टैंड, पॉजिटिव स्टैंड, ये सारे, और साथ साथ नॉन टेम्पलेट, ये बात तो सही है, नॉन टेम्पलेट, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई जीत ही जाती है ना। तो ये क्या है, नॉन टेम्पलेट है, मतलब ये टेम्पलेट, ये हमारा आरएनए नहीं बताएगा। तो ये याद रखना कि नॉन टेम्पलेट है, नॉन टेम्पलेट कोई कोडिंग कहेंगे, सेंस कहेंगे, स्टैंड कहेंगे, पॉजिटिव स्टैंड कहेंगे, सेंस स्टैंड कहेंगे, ये सारे नाम इसके नॉन टेम्पलेट के। लेकिन जो टेम्पलेट स्टैंड है एक्चुअल में, उसको ही नॉन कोडिंग कहते हैं हम लोग, नॉन कोडिंग कहते हैं, एंटी सेंस कहते हैं, एंटी सेंस कहते हैं, और नेगेटिव स्टैंड कहते हैं ना, नेगेटिव स्टैंड, ये सारी बातें हम लोग टेम्पलेट के लिए कहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट, बस बाकी सब आप उसको उल्टा कर देना, टेम्पलेट सही है और नॉन टेम्पलेट सही है। तो बाकी जो नॉन टेम्पलेट होगा वही कोडिंग होगा, सेंस होगा, स्टैंड और पॉजिटिव स्टैंड होगा, और टेम्पलेट नेगेटिव
जो नॉन टेम्पलेट होगा वो कोडिंग सेंस स्टैंड या पॉजिटिव स्टैंड कहलाएगा, और जो टेम्पलेट होता है वो नॉन कोडिंग एंटी सेंस या नेगेटिव स्टैंड कहलाता है। यहाँ पे जो प्राइम जो पोलैरिटी है टेम्पलेट स्टैंड की, याद रखना कि जो रेड वाला बनाया है ये हमारा mRNA है, ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट जिसपे हम लोग ढांचा बना रहे हैं ना। तो हमारा ढांचा तैयार हो रहा है 3' से 5', तो इसकी पोलैरिटी क्या है, इसकी पोलैरिटी है 3' से 5'। तो ये चीज आप लोग को याद रखना अच्छे से, क्योंकि अगर ये चीज याद रहेगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कोई पहचानता है, कैसे कोई पहचानता है कि ये हमारा पर्टिकुलर जीन है जहाँ पे हमें सिंथेसाइज करना है। क्योंकि देखो एक्चुअल में डीएनए तो बहुत बड़ा है ना, और जब डीएनए इतना ज़्यादा बड़ा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से हमें प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करना है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत साधारण सी बात है, हमें पता है कि हमारे पास प्रोमोटर है ना, और ये जो प्रोमोटर हमारा, इस प्रोमोटर के इधर वाला ये वाला ऑपोजिट, मतलब जो प्रोमोटर से दूर जा रहा है वो नेगेटिव कहलाता है। ये नेगेटिव स्ट्रैंड की बात नहीं कर रहा, वो उसके न्यूक्लियोटाइड्स क्या काउंट करते हैं, नेगेटिव काउंट करते हैं। तो अगर आप प्रोमोटर से पूरब दिशा में, पूरब बोलेंगे ना, पूरब जो भी दिशा, चलो अगर प्रोमोटर से आप लेफ्ट जा रहे हो तो प्रोमोटर से लेफ्ट जाओगे तो फिर ये सारे काउंट होंगे न्यूक्लियोटाइड नेगेटिव, और जैसे ही आप नेगेटिव कितने कदम चलोगे, नेगेटिव अगर आप 10 कदम चलोगे, 10 कदम और लगभग 35 कदम है ना, 10 से 35 कदम जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ कंसेंसस सीक्वेंस मिलते हैं। कौन से सीक्वेंस? कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं जो खास तरह के रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, और वो सीक्वेंस हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइजिंग में, हेल्प इन रिकॉग्निशन। किस में हेल्प करेंगे? रिकॉग्निशन, हेल्प इन रिकॉग्निशन, ओके, रिकॉग्निशन में हेल्प करेंगे। और यही कंसेंसस सीक्वेंस रिकॉग्निशन में हेल्प करके फिर हमारे खास तरह के सीक्वेंस को पैदा करती है। ये कौन से खास तरह के सीक्वेंस है? ये टाटा बॉक्स कहलाते हैं ना, टाटा लेते आएंगे, हाँ टाटा बॉक्स, ठीक है, क्लास ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, टाटा बॉक्स में ये चीज़ याद रखना, ये टाटा बॉक्स है, हालांकि इसका सीक्वेंस ये है पूरा मैंने बता दिया, लेकिन इसको हम लोग टाटा बॉक्स कहेंगे, या फिर हम लोग इसको कहते हैं प्राइबनो बॉक्स या फिर टाटा बॉक्स कहते हैं ना। तो टाटा बॉक्स पे क्या करेगा, टाटा बॉक्स पे अब क्या हुआ, इस टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है, और ये पॉलीमरेज क्या करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा टाटा बॉक्स को ना, जहाँ पे इसको टाटा मिल जाएगा, जहाँ पे इसको क्या मिलेगा, टाटा मिलेगा। टाटा मिलने के बाद से ये क्या करेगा, बाइंड करेगा इसके साथ, एक बाइंड कर जाएगा सिग्मा बॉन्ड, क्या बाउंड करेगा, सिग्मा प्रोटीन इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा प्रोटीन है, ठीक है। तो ये सिग्मा प्रोटीन जैसे ही बाइंड करेगा तो फिर ये पूरा का पूरा अटैच कर जाएगा, कहाँ पे ये अटैच कर जाएगा, ये यहाँ पे, ये पूरा ये अटैच कर गया, ठीक है, ये पूरा अटैच कर गया किसके साथ, ये हमारे पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ अटैच कर गया। ये हेल्प किया हमारा रिकॉग्निशन में प्रोमोटर में, कौन हेल्प किया, सिग्मा। जैसे यहाँ पे ये अटैच करेगा तो यहाँ से सिग्मा क्या करेगा, सिग्मा यहाँ से रफा दफा हो जाएगा, सिग्मा आराम से यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब सिग्मा फैक्टर जब रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे अब तो जरूरत नहीं थी, तो अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। हालांकि अब हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं, आरएनए ही बना रहे हैं, तो आरएनए बनाने के लिए हमें और कुछ क्या चाहिए, अब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, इलोंगेशन करेंगे, ठीक है। इनिशिएशन क्या हुआ, इनिशिएशन हमारा हो गया ना, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज बैंड कर दिया। तो अब आपको जानना है कि आरएनए जो पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में कितने तरह के, आरएनए पॉलीमरेज हमारे मेन जो है वो 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज है। जैसे आपके पास टीआरएनए है,
है ना, आपको क्या बनाना है, टी आर एन ए बनाना है या फिर एम आर एन ए बनाना है या फिर आर आर एन ए बनाना है। तो ये अलग अलग प्रकार के आर एन ए है, तो पॉलीमरेज भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जो जो टी आर एन ए बनाता है, टी आर एन ए बनाता है आर एन ए पॉलीमरेज थ्री, आर एन ए पॉल थ्री, ठीक है। जो एम आर एन ए बनाता है वो कौन बनाता है, एम आर एन ए बनाता है आर एन ए पॉल टू, आर एन ए पॉलीमरेज टू बनाएगा। और जो आर आर एन ए है वो आर आर एन ए क्या बना बन कौन बनाता है, आर एन ए पॉलीमरेज वन। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कौन सा क्या बना रहा है। इसके अलावा जो इसके अलावा मैं एडिशनल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि टी आर एन ए में एक खास तरह का आर एन ए बनता है जिसका हम लोग यूनिट 5S RNA, 5S rRNA बनेगा। हालांकि मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट आप ये सब भी जानो, ठीक है। सिंस, तो सिंस और आरएनए यहाँ बनेंगे, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ, ये ऐड कर लेना, ठीक है। एम जो आरएनए पॉलीमरेज है टू है वो एम आरएनए के साथ साथ लिंस बनाता है, लाइंस बनाता है, LINE, LINE, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो क्या बनेगा, लाइंस बनेगा, ठीक। लाइंस भी एक तरह का आरएनए, LINE, और इम्पोर्टेंट है एक SnRNA, ये SnRNA बनाता है, इसको ऐड कर लेना, ठीक। और आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए बनाने के साथ साथ उसकी जो मेजर यूनिट्स है, जैसे कि 5.8 और 28 या 23 SrRNA, ठीक है, SrRNA। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 23 SrNA या 23 SrRNA, ये क्या करता है, ये कैटालिटिक एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है। कैटालिटिक नेचर होता है इसका। कैटालिटिक नेचर का मतलब क्या है, ये एक एंजाइम की तरह काम करेगा, राइट, एंजाइम की तरह काम करेगा। आ रही है बस में? और ये कौन से एंजाइम की तरह काम करेगा, हम लोग यहाँ पे जब टीआरएनए पढ़ेंगे, ट्रांसफरेज एंजाइम जब हम लोग पढ़ते हैं, टीआरएनए में जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो T23SrRNA जो है वो कैटालिटिक, कैटालिटिक स्पेलिंग गलत है, कैटालिटिक नेचर का होता है, ठीक है। तो कैटालिटिक नेचर का होता है, और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि कौन कौन सा आर एन ए क्या क्या बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं थोड़ा ऊपर हो सकता है। लेकिन क्या बोल रही हो, तो इम्पोर्टेंट ये बात है ना बेटा। अरे ये क्यों नहीं बड़ा होता यार, लेआउट, लेआउट में बड़ा करते हैं स्पॉटलाइट। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बड़ा नहीं होता, पता नहीं क्या। हाँ तो मैं बता रहा था बेटा कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3, 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 1, ये सारे के सारे दिस एब्सेंट इन इन प्रोकैरियोट, ये सारे के सारे एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोट में। सिर्फ प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो सारे के सारे बनाता है। तो ये तीनों के तीनों आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये सारे चाहिए थे आपको किसके लिए, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। ये किसके लिए चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड फॉर, इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट। यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेना टाइप्स ऑफ आरएनए पॉल इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये सारे के टाइप्स जो आपने देखे, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में मौजूद थे। ये आरएनए पॉलीमरेज एक ही होगा इन प्रोकैरियोट्स में, यहां पे लिखना ओनली वन आरएनए पॉल इज प्रेजेंट,
आरएनए पॉल पॉलीमरेज सिंथेसाइज सिंथेसाइज ऑल आरएनए। तो प्रोकैरियोट के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए सारे पॉलीमरेज़ को सिंथेसाइज करता है। यहां तक तो समझ में आ गई। तो अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज़ टू की, जो एमआरएनए बनाने वाला है। और वो जो पहला आरएनए बनाता है वो हेटरोजीनस आरएनए बनाता है, और उसको हेटरोजीनस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको हेटरोजीनस क्यों कहते हैं, यहाँ पे 5.2 3 कोई तो बता दो, कोई हेटरोजेनस क्यों कहते हैं? हेटरोजेनस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इमेच्योर होता है, पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता, और उसमें एक्सॉन इंट्रोन ये सारी चीजें भी होती है, इसलिए उसको हेटरोजेनस कहते हैं। तो सपोज यहाँ तक तो हमारा प्रोटीन बनता बनता चला गया, अगर ये प्रोकैरियोट्स होंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी साथ साथ शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन भी साथ साथ शुरू हो जाएगा और बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी साथ साथ शुरू हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, इसको हम लोग कहते हैं यहां पे लिख लेना इन प्रो कैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, अकर्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों एक ही साथ होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं भाई, कुछ तो कहते थे ना, चलो ठीक है, मतलब दोनों साथ में होगा। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जब बहुत सारे राइबोसोम अगर इकट्ठा हो जाते हैं एक साथ, तो हम लोग इसको कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं इसको, इस संरचना को हम लोग कहते हैं पॉलीसोम, पॉलीसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पॉली राइबोसोम भी कहते हैं पॉलीसोम। तो पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें दिखेगा, प्रोकैरियोट्स में दिखेगा, इन प्रोकैरियोट्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में आपको पॉलीसोम की संरचना देखने को मिलेगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो उस पर कुछ मिलेगा नहीं, यहीं पे कमेंट करके पूछना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीजोम समझ लिया, और यही समझ लिया कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है और किस तरह से हम लोग यूकैरियोटिक के मतलब किसी भी बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन को हमारे यूकैरियोटिक हम लोग के शरीर में कैसे रोके जाएगा, ये चीज हम लोग एक बार देखते हैं। ये तो सवाल उठता ही है, और जब सवाल उठेगा तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, इलोंगेशन होता चला गया 5 to 3 prime। मुझे लगता है कि और अगर आपको इलोंगेशन रोकना है, जैसे कि ये अगर आपको इलोंगेशन रोकना है तो आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा क्या, आपको कुछ खास तरह के एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 prime से ये 3 prime और ये 3 prime से 5 prime। तो अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं जैसे रिफामाइसिन, एक्टिनोमाइसिन, ठीक है, क्या एक्टिनो माइसिन या फिर रिफामाइसिन माइसिन, इसके साथ साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अगर आप कोडीसाइपिन देते हैं जैसे कि या फिर कोडीसाइपिन, तो कोडीसाइपिन ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये रेड कलर से जो लिखा वो क्या है, हमारे एंटीबायोटिक। कोडीसाइपिन क्या है, इट इज अ एनालॉग ऑफ एडेनिन, एनालॉग ऑफ एडिनोसाइन। तो होता क्या है कि यहाँ पे इस कोडीसाइपिन में 2 prime 3 prime OH एबसेंट होता है, 3 prime OH एबसेंट होता है। तो अगर 3 prime OH एबसेंट होगा तो यहाँ पे इसको 3 prime पे OH नहीं मिलेगा, और 3 prime पे OH नहीं मिलेगा तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोडीसाइपिन हम लोग देख सकते हैं
एक्टिनोमाइसिन क्या करता है, ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को ये बोथ, दिस बोथ इनहिबिट इनहिबिट आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस बोथ विल हेल्प इन द इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, दिस बोथ ऑल टुगेदर विल हेल्प इन द इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन, इनहिबिट बी आई टी इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक किसी को किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इलोंगेशन को इस तरीके से रोका जा सकता है, और ये सारे एंटीबायोटिक यही काम करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको रोक देते हैं, या फिर अगर आप अपने रिएक्शंस में किसी तरह का रिजल्ट चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि नेचुरली तो ऐसा ये स्टॉप नहीं होगा, इलोंगेशन होगा, और इलोंगेशन के बाद से फिर आप क्या देखेंगे, इलोंगेशन के बाद से कुछ खास तरह का यहाँ पे टर्मिनेशन करना जरूरी है, और ये जो टर्मिनेशन होगा वो कैसे होगा, ये टर्मिनेशन के लिए खास तरीका हमारे पास यहाँ पे एंजाइम आएगा। ठीक है, तो मैं कैसे दिखाऊं, तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज ये चल रहा था इधर, ठीक है, तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से मूव कर रहा था। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आर रॉ फैक्टर जब इसमें बाइंड करता है, कौन सा, इसको मैं बनाता हूँ कुछ इस तरह से, है ना, तो जब रॉ फैक्टर यहाँ पे बाइंड करता है ना, तो जब रॉ फैक्टर यहाँ पे बाइंड करता है तो ये क्या करता है, इसको खींच लेता है ऊपर, फाइनली ऐसे खींच क्या लेता है, मतलब ये टर्मिनेट कर देता है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रॉ फैक्टर जो है, रॉ फैक्टर, रॉ फैक्टर बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज एंड इनहिबिट, नॉट इनहिबिट, इसको इनहिबिट नहीं बोलेंगे, इसको टर्मिनेट बोलेंगे। ठीक है, पॉलीमरेज यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट और इनहिबिट में समझ में फर्क समझ में आना चाहिए आप लोगों को। टर्मिनेट मतलब कि खुशी खुशी आपका आरएनए पॉलीमरेज का प्रोडक्शन बंद हो गया, मतलब कि जब आरएनए कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा तो आराम से यहाँ से निकल जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, आपका आ गया आरएनए, तो यहाँ पे 5' से 3' अब हट चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कोई अटैचमेंट नहीं बनाया, उसके पहले वाले डायग्राम में पूरा वो जुड़ा हुआ था, वहाँ तक यहाँ तक कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा, फाइनली ये हट जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि रॉ फैक्टर यहाँ पे बाइंड कर जाता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ एंड टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, एंड टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। इसके अलावा दूसरा तरीका और होते हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल के लिए बताने की जरूरत है, लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा ये पॉइंट समझ सकते हो कि ये बाय हेयर पिन ऑल्सो, बाय हेयर पिन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, बाय हेयर पिन फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट। ठीक है, इतना याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन कैसे टर्मिनेट होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो आरएनए है, बाय आरएनए हेयर पिन फॉर्मेशन, यहाँ पे लिख लेना आरएनए हेयर पिन फॉर्मेशन, तो बाय आरएनए हेयर पिन फॉर्मेशन या स्टेम लूप फॉर्मेशन, यू कैन से बाय आरएनए स्टेम लूप फॉर्मेशन और हेयर पिन फॉर्मेशन इट विल टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि जो हमारा प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में तो ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी, ट्रांसलेशन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा था, हम लोग ने यहाँ यहीं पे अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था साथ साथ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, इन यूकैरियोट
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो भी आपका जो आरएनए अभी मिल बना हुआ है वो आरएनए एकदम प्रॉपरली पूरा क्या बोला जाए, पूरा मैच्योर नहीं है ना, मैच्योर नहीं है और वो फंक्शनल नहीं है। तो उसको फंक्शनल बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग कहते हैं 5' कैपिंग, है ना, 5' कैपिंग का। तो 5' कैपिंग का इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको डिग्रेड कर सकते हैं आरएनए को, तो इसको इसलिए हम लोग उसको 5' कैपिंग करवाते हैं। और ये कैपिंग की वजह से वो हेल्प करता है ट्रांसलेशन में भी, तो इसलिए 5' कैपिंग करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कैपिंग में आपको हम लोग क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। यहाँ पे आपके पास आरएनए है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आरएनए है 5' से 3' पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5' पे मिथाइल ग्रुप जोड़ना है, ठीक। और ये जो 5' पे जो मिथाइल ग्रुप है, क्या बताऊं, मैं ये बता रहा था, एमआरएनए में क्या आता है सबसे पहले, एयूजी, नो कुछ भी हो सकता है एमआरएनए में। यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं गुआनिन, इस जो गुआनिन जो जीटीपी यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इस जीटीपी से जीएमपी बनेगा, और यहाँ पे एक फास्फोरस, फाइनली गुआनिन गुआनिन मोनोफॉस्फेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हम लोग का जो एटीपी होता है ये सब न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट्स होते हैं, और इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, और उसको हम लोग जोड़ते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जीटीपी से जीएमपी बनेगा, और जीएमपी फिर यहाँ पे के जीटीपी से क्या बनेगा, जीएमपी, और दिस जीएमपी विल कम हियर एम्बाइंडेड। नाउ यू हैव टू कैपिंग, हम लोग को क्या करना है, कैपिंग करना है। तो कैपिंग के लिए एक दूसरा एंजाइम भी आएगा जिसको हम लोग कहते हैं एस एडिनोसाइन, एस एडिनो साइल मिथियोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे एस एडिनोसाइल मिथियोनिन से आप क्या निकालोगे, मिथिन ग्रुप निकाल लोगे, और यहीं से आपका क्या होगा, जो CH3 जो होगा, CH3 बाइंड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 यहाँ पे बाइंड कर देगा कहाँ पे, आपके 5' कार्बन पे, नॉट 5' कार्बन पे, जस्ट 5' एंड पे आपका यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली सिंपली यहाँ पे जो था आपका जो गुआनिन आपने दिया था, इस गुआनिन के 7th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है वहीं पे ये बाइंड करता है। तो यहाँ पे आप जोड़ दो कि कहाँ पे, यहाँ पे मिथियोनिन जोड़ दो, ठीक, सॉरी मिथियोनिन कह रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दो। ये मिथाइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है, एसिडिनोसाइल मिथाइल मिथियोनिन, तो कोई ट्रांसफरेज एंजाइम ही होगा जो इसको ट्रांसफर करेगा, मिथियोनिन सम एडिनोसाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे मिथेन ग्रुप यहाँ पे फाइनली जुड़ चुका है, तो इसको हम लोग कहेंगे कैपिंग। और इस कैपिंग का एग्जैक्ट नाम कहते हैं हम लोग CH3N7 मिथाइल, हाँ इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीटली N7 मिथाइलेशन। क्या कहते हैं, N7 मिथाइलेशन। तो यहाँ पे कैपिंग तो होगी, मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो 3' है इसका भी कुछ उपचार करना पड़ेगा। तो 3' में आप क्या करते हो, 3' में आप सिंपली 3' में आप पॉली ए जोड़ने लगते हो। यहाँ पे क्या जोड़ते हैं आप, बहुत सारे एटीपी आएंगे, और यहाँ पे आप क्या करते हो, सिर्फ ए ए ए एडिनाइलेशन करते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, एडिनाइलेशन, एडिनाइलेशन मतलब क्या, एडिंग ऑफ एडिनोसाइन, व्हाट व्हाट यू आर एडिंग, एडिंग ऑफ
एडिनोसाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे कुछ समझने में कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग आप आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक दो तरह के जो मेन और हम लोग ने देखे हैं, दो तरह के क्या, मेन मॉडिफिकेशन वो एच एन आर एन ए में, ठीक है। कौन सा आर एन ए में? जो पहला आर एन ए बना था वो हेट्रोजीनस आर एन ए बना था, ये कौन सा था हमारा? एच एन एम आर एन ए, ठीक है, नॉट एम आर एन ए, एच एन आर एन ए बना था। और इस एच एन आर एन ए को हम लोग बाद में एम आर एन ए बना रहे हैं, और एम आर एन ए को मैसेंजर आर एन ए कहते हैं, ठीक है। एच एन आर एन ए से हम लोग क्या बना रहे हैं? फाइनली मैसेंजर आर एन ए कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, एम आर एन ए बनाए। अब इस एम आर एन ए में कुछ काम और भी करना बाकी है, जो कि हम लोग कहते हैं स्प्लाइसिंग। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग स्प्लाइसिंग करेंगे। और स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होता है कि जो भी अनवांटेड जो कोडोन्स है, विच विल नॉट सिंथेसाइज एनी पर्टिकुलर जीन, विच विल नॉट सिंथेसाइज एनी पर्टिकुलर प्रोटीन, बट दीज आर जस्ट ए अनवांटेड थिंग्स, ओके। सो ये जो कुछ यहाँ पे पड़े रहते हैं बीच बीच में, कुछ जीन जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो रहे फाइनल ट्रांसलेशन के दौरान। तो अगर हम लोग इसको नहीं चाहते कि फाइनली वो रहे, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। स्प्लाइसिंग के भी दो तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने देते हैं लेवल एक ही तरीका। इसमें ये जो ग्रीन वाले हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? इंट्रॉन। इंट्रॉन मतलब क्या? इंटरफेयर कर रहा है, जैसे कि इंटरफेयर कर रहा है ना। इंट्रॉन मतलब क्या? इंटरफेयर कर रहा है। और इंटरफेयर किसको कर रहा है? सीक्वेंसिंग को, ठीक है। और ये जो रेड वाला रीजन है, ये रेड वाले को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेसिंग रीजन। क्या कहेंगे? एक्सोन कहेंगे। और यही एक्सोन क्या होगा? एक्सप्रेस होगा ना, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, एक्सप्रेस होगा ना। तो एक्सप्रेसिंग रीजन होगा तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सोन। तो ये चीज याद रखना कि आप सारे इंट्रॉन्स को आप निकाल दोगे, इसको स्प्लाइसिंग ऐसे कर दोगे, और ये फाइनली जब ये निकल जाएंगे, जब फाइनली ये निकल जाएंगे तो उसको डीएनए लाइगेज इससे आप उसको जोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको काट रहे हो, और काटने के बाद से फिर यहाँ पे वापस लाइगेज एंजाइम दोगे, डीएनए लाइगेज नहीं, डीएनए लाइगेज भी दे सकते हो, ठीक है, लाइगेज एंजाइम दोगे। और लाइगेज एंजाइम देने के बाद से आप क्या करोगे, इसको फाइनली जोड़ दोगे, और ये आपका क्या है? मैच्योर, मैच्योर एमआरएनए, मैच्योर एम आर एन ए मतलब क्या? मैसेंजर आर एन ए, है ना, मैच्योर आर एन ए मत समझ लेना, मैसेंजर आर एन ए। और इसके प्राइमिंग क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। आपको पता होगा कि आर आर एन ए का मतलब क्या होता है? आर आर एन ए का अर्थ होता है राइबोसोमल आर एन ए। क्या होता है? राइबोसोमल आर एन ए। और टी आर एन ए का अर्थ क्या होता है? ट्रांसफर आर एन ए, ठीक है, ऊपर में ट्रांसफर आ रहे हैं। होप जो कि यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी को कुछ छूटा हुआ है, कुछ लग रहा है कि नहीं पढ़ा है, तो आप लोग मुझे प्लीज बता सकते हैं ताकि मैं उसको कवर करूँ। और किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।